नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीपेश गौर में। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन नहीं हुए तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप लिंक मिल जाएगी, वहां से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हैं। भारत में निकलने वाली हर एक वैकेंसी की अपडेट, हर सरकारी योजना की जानकारी आप हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी तक आप सभी ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको हर एक अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायिका के विभिन्न रिक्त पदों की जानकारी आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं कि हमारे जिले में रिक्त पद है कि नहीं, हमारे गांव में रिक्त पद है कि नहीं, हमारे जिले में टोटल कितने रिक्त पद हैं, हमारे गांव में आंगनबाड़ी सहायिका के कितने पद है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के कितने पद है, आंगनबाड़ी मिनी सहायिका के कितने पद है, यह सभी जानकारी आपको बताएंगे। बस वीडियो को एंड तक देखिएगा और जैसे ही आंगनबाड़ी की कोई भर्ती अपडेट आती है आपको जरूर सबसे पहले जानकारी देंगे। बस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। सबसे पहले आपको यहाँ पर सर्च करना है दोस्तों, यहाँ पर आपको सर्च करना है महिला एवं बाल विकास विभाग। चलिए हम सर्च कर सकते हैं महिला एवं बाल विकास विभाग लिखकर। आप जैसे ही सर्च करेंगे दोस्तों, आपको यहाँ पर कुछ देर वेट कर लेना है, यहाँ पर आपके सामने जो है वो महिला एवं बाल विकास विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं महिला एवं बाल विकास विभाग मध्य प्रदेश सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुकी है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं महिला एवं बाल विकास विभाग मध्य प्रदेश शासन ऑफिशियल पोर्टल हो चुका है। यहाँ पर इसके मंत्री जो है वो सुश्री निर्मला भूरिया है, माननीय मंत्री महिला एवं बाल विकास मध्य प्रदेश शासन। मुख्यमंत्री यहाँ पर देख सकते हैं मुख्यमंत्री मोहन डॉक्टर मोहन यादव। यहाँ पर आपको सबसे पहले जो संस्था का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना। उसके बाद संस्था के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको आंगनबाड़ी का ऑप्शन दिखेगा। आंगनबाड़ी ऑप्शन आपको क्लिक कर देना। आंगनबाड़ी पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर कुछ देर वेट कर लेना है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने जो वो एक और नया पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। ये इस प्रकार से आपके सामने एक और नया पेज ओपन हो जाएगा, आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आपको आंगनबाड़ी प्रोफाइल का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, आंगनबाड़ी प्रोफाइल, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने जो है वो एक नया पेज फिर से ओपन होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने आपके जिले में आपके संभाग में टोटल कितनी रिक्तियां खाली है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना संभाग देख लेना है। तो यहाँ पर हमारे संभाग लोडिंग डिवाइस संभाग पर क्लिक करोगे तो आपको जितने संभाग हमारे एमपी में है पूरे देखने को मिल जाएंगे। चलिए हम देख लेते हैं हमारा नर्मदापुरम संभाग, ठीक है, नर्मदापुरम संभाग यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप अपना जिला सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम अपना जिला सिलेक्ट कर लेते हैं, अपना प्यारा हरदा। परियोजना सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस में आपको, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं तो हरदा ग्रामीण एक, हरदा ग्रामीण दो, तो हम हरदा देख लेते हैं, या फिर हम अपना खिड़कियां सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, सॉरी यहाँ पर हम अपना खिड़का सिलेक्ट कर ले। उसके बाद सेक्टर की अगर हम बात करें तो सेक्टर में हम अपना जो कर लेते हैं सिराली या खुदिया, खुदिया कर लेते हैं सेक्टर में। उसके बाद आंगनबाड़ी का प्रकार, अब आपको आंगनबाड़ी की देखना है या मिनी आंगनबाड़ी की देखना है तो हम टोटल देखना है। उसके बाद अगर आपको खोजना है कि आपके अपने गाँव का अगर आपको आंगनबाड़ी केंद्र का नंबर पता है तो वो खोज सकते हैं, या फिर आपको सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर कुछ नहीं डालना, आपको डायरेक्ट सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने जो है पूरी लिस्ट ओपन हो जाएगी, ठीक है, पूरी लिस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। नर्मदापुरम संभाग है, यहाँ पर जिला हरदा है, परियोजना का नाम खिड़किया, सेक्टर खुदिया, आंगनबाड़ी क्रमांक और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कौन कौन से। तो दोस्तों, अब यहाँ पर कौन सी बात होगी, यहाँ पर आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नर्मदापुरम हरदा खुदिया क्रमांक एक में यहाँ पर पद खाली है, उसके बाद खुदिया क्रमांक दो में पद खाली है। और अब अगर हम यहाँ पर व्यू ऑप्शन दिख रहा है आपको, यहाँ पर हम व्यू वाले ऑप्शन पर अगर क्लिक करें हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ठीक है, यहाँ पर आपको आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की जानकारी दिख जाएगी और यहाँ पर आपको आंगनबाड़ी सहायिका की जानकारी दिख जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो नियुक्ति हुई थी वो 10 फरवरी 1994 की हुई थी और इनकी जो नियुक्ति हुई थी आंगनबाड़ी सहायिका की वो 10 सितंबर 2012 की हुई थी। अगर हम बात करें यहाँ पर अगर पद खाली रहेगा तो कैसे बताते, तो चलिए यहाँ पर हम बैक कर देते हैं और यहाँ पर हम कोई सा भी दूसरा ओपन कर लेते हैं। जिस प्रकार से हम अगर ये ओपन करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे कि आंगनबाड़ी सहायिका की अगर जानकारी देखें तो यहाँ पर आंगनबाड़ी सहायिका का पद खाली नहीं है। अगर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का पद खाली है। यहाँ पर जन्म तारीख अगर पद खाली नहीं रहता तो यहाँ पर जन्म तारीख लिखी लाती, नियुक्ति की दिनांक लिखी आती, जिस प्रकार की आंगनबाड़ी सहायिका की लिखी है, योग्यता किस योग्यता के कारण वो लगी है, जैसे यहाँ पर लिखा है 5वीं से कम है इसलिए इनकी नियुक्ति हुई है, यहाँ पर योग्यता लिखी लाती। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं अपने जिला में अपने
अपने ब्लॉक में, अपने गांव में, अपनी पंचायत में चेक कर सकती है कि आपके यहाँ पर पद खाली है या नहीं। तो मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि सबसे पहले आपको नर्मदापुरम संभाग, जो अपना आपका संभाग लगता है, उसे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद परियोजना आपके किस गाँव के अंतर्गत देखना है, तो यहाँ उसके बाद यहाँ पर आपको सेक्टर सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको खोजना है। अगर आपको देखना है कि हमें सिर्फ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद देखने हैं, तो यहाँ पर आपको मिनी आंगनबाड़ी पर क्लिक कर देना है। और अगर आपको देखना है कि हमें आंगनबाड़ी के देखना है, तो दोनों क्लिक कर देना। और अगर आपको देखना है कि हमें दोनों के देखना है, तो आपको यहाँ पर ऑल पर क्लिक कर देना और सर्च फॉर ऑप्शन पर क्लिक कर देना। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया, अगर आप उसी प्रकार से देखेंगे, अगर आपके यहाँ पद खाली है, तो आप बिल्कुल तैयार रहिए। जल्द ही यहाँ पर महिला एवं बाल विकास द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती ऑनलाइन यहाँ पर होने वाली है। जल्द ही नोटिफिकेशन जारी होगा, आपको जरूर सूचित करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके साथ जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जरूर ज्वाइन करिएगा। धन्यवाद।